हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रही हूँ हेडबैंड, जिसे बनाने के लिए देखिए मैंने पिंक कलर की बूल ली हुई है और 10 नंबर सलाई ली हुई है। तो देखिए इसको अगर आप चौड़ा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे फंदे आप साइड से ज़्यादा रख लीजिए तो ये और चौड़ा बन के कम्प्लीट हो जाएगा। मैंने 6-6 फंदे रखे हैं, आप यहाँ पर 10-10 भी रख सकते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने 27 फंदे डाल लिए हैं, 6 फंदे इधर रखूँगी बॉर्डर के लिए, 6 इधर और 15 फंदों में डिजाइन डालूंगी। तो देखिए फर्स्ट रो हमारी यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंदे उल्टे बना लिए, बुल को पीछे किया। अब यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 फंदे सीधे बुने, बुल को अपने तरफ किया और यहाँ पे देखिए 6 फंदे फिर से उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये देखिए आप देखिए यहाँ से उल्टी रो पूरी उल्टी बनाएंगे ऐसे, एक फंदा उतारने के बाद इसमें कोई फंदा चेंजिंग इधर उधर नहीं होगा, बुल पूरी रो ऐसे ही बुनते जाएंगे लास्ट तक। आप देखिए सीधी रो पे आ गए, एक फंदा उतार लूंगी बुल को अपने तरफ ऐसे और यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 हो गए 4, 5, 6 फंदे फिर से उल्टे, बुल को पीछे, 15 फंदे सीधे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 बुल को अपने तरफ और यहाँ पे 6 फंदे उल्टे इस तरह से उल्टी रो पूरा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। एक फंदा उतार के बुल अपने तरफ यहां से उल्टा बुन देंगे पूरा। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से सीधी रो पे फिर से आ गई हूँ और यहाँ पे 4 रो कंप्लीट हो गई, 2 गांठ स्टिच आ गई। अब देखिए यहां से बुल अपने तरफ करेंगे और 6 फंदे उल्टे, 2, 3, 4, 5, 6 अब देखिए यहाँ से बुल को पीछे किया, इस फंदे को उतार लूंगी। अब मैं फंदे घटाऊंगी यहाँ पे बंद करूंगी ऐसे, ये देखिए इसको इसके ऊपर से निकाल दूंगी ऐसे, ये 15 फंदे मैं बंद कर दूंगी इस तरीके से। इसको निकालते जाएंगे इसके ऊपर से तो ये बंद होते जाएंगे ऐसे। ये देखिए इस तरह से, अब देखिए ये लास्ट वाला फंदा है 15वां फंदा, तो इस फंदे के साथ हम इसे ऐसे बना देंगे। आप देखिए यहाँ पे बुल को अपने तरफ करेंगे और यहाँ से देखिए 2, 3, 4, 5, 6 फंदे, ये देखिए इस तरह से ये यहाँ पे ऐसे क्लोज हो गए फंदे। आप देखिए यहाँ से हम पलट लेंगे और देखिए यहाँ पे एक फंदा उतारूंगी बुल को अपने तरफ, ये देखिए 2, 3, 4, 5, 6 फंदे मैंने ये बुन लिए। अब देखिए यहाँ पे मैं 15 फंदे बढ़ाऊंगी तो देखिए इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह। पंद्रह फंदे बढ़ा लिए, अब ये वाले फंदे उल्टे बना लेंगे ऐसे। ये देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। ये देखिए, आप देखिए, एक फंदा उतारूंगी भूल अपने तरफ, यहां से एक, ये देखिए छह फंदे उल्टे बुने। अब इन फंदों को हम देखिए इधर से बुनेंगे, इस साइड से, ताकि ये लूज ना हो ऐसे। ये देखिए, इस साइड से ऐसे बुन देंगे तो ये लूज नहीं होंगे। इस साइड से देखिए ऐसे, सभी फंदे ऐसे ही बनाएंगे। ये देखिए, आप देखिए इन फंदों को ऐसे। उल्टी रो पूरा फिर से उल्टा बनाऊंगी मैं ऐसे, इस तरीके से तो बना लेती हूँ। ये देखिए, अब मैं सीधे साइड आ गई हूँ। अब मैं फर्स्ट रो को फिर से रिपीट करूंगी। तो देखिए, यहां से एक फंदा उतार लिया भूल अपने तरफ और ऐसे, छह फंदे यहाँ पे उल्टे, दो, चार, पांच और छह। भूल को पीछे करेंगे, पंद्रह फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह। भूल को अपने तरफ, छह इधर उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, और उल्टी रो पूरा उल्टी बुन देंगे। ये देखिए, अब मैं फिर से सीधी रो पे आ गई हूँ। तो यहां से फिर से मैं छह फंदे उल्टे बुनूंगी। ये देखिए, और देखिए, पंद्रह फंदे सीधे और इधर छह फंदे उल्टे, उल्टी रो पूरी उल्टी उल्टी कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, यहाँ पे छह रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए, यहाँ पे सातवीं रो पे हम फिर से फंदे बंद करेंगे, दो, तीन, चार, पांच, छह, छह फंदे उल्टे। भूल को पीछे करेंगे, इस फंदे को उतार लेंगे, इसको बुनेंगे और इसको इसके ऊपर से क्रॉस करा देंगे। उसके बाद इसको बुन के इसके ऊपर से ऐसे निकाल दिया वापस। ये देखिए, सभी फंदे पंद्रह ऐसे ही बंद कर देंगे। इस तरह से ये देखिए, पंद्रह फंदे बंद हो गए। अब देखिए, जो लास्ट का फंदा है इस फंदे के साथ ऐसे, भूल अपने तरफ और देखिए, दो, तीन, चार, पांच, छः, छः फंदे उल्टे। आप देखिए, फिर से यहां से मैं एक फंदा उतारूंगी भूल अपने तरफ, दो, तीन, चार, पांच, छः। अब देखिए, फिर से मैं पंद्रह फंदे बढ़ाऊंगी। ये देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये देखिए। उसके बाद हम ये वाला फंदा बुनेंगे, ये देखिए। ऐसे आप देखिए, हम इसी को रिपीट करते हुए जितनी लंबाई मुझे इसकी चाहिए वो मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इस तरह से इसकी लंबाई पूरी कर ली है। अब देखिए मैं किस तरह से इसको बनाऊंगी। तो देखिए, यहाँ से ऐसे घुमाया, ये देखिए, एक बार और देख लीजिए, ये सीधा है। इसको हम ऐसे घुमा देंगे, ऐसे घुमा दिया। अब इसको इसके अंदर से ऐसे निकाल देंगे, ऐसे देखिए, और इसको ये देखिए ऐसे। अब अगले को ऐसे इसके अंदर से निकालते जाएंगे, ये देखिए, इजीली ये बन के कम्प्लीट हो जाता है। सभी को एक दूसरे के अंदर से निकालते जाएंगे, ये देखिए ऐसे। तो मैं पूरा बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, इस तरह से मैंने पूरा बना लिया। अब देखिए, हम जहाँ से फंदे बढ़ाते हैं, इसमें उल्टी रो पे हूँ, तो मैं यहाँ से इनको ऐसे बना लूंगी। तो ये यहाँ से जॉइंट हो गया ऐसे, ये देखिए। अब हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 दूनी 12 फंदे रह गए। और यहाँ से अब इस रो में हम सभी फंदे बंद कर देंगे इस तरीके से, दो का एक करते हुए। ऐसे ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। और देखिए, एक मुझे बटन चाहिए जो कि मैं इस साइड लगाऊंगी ऐसे। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसको यहाँ पे मजबूत टांग देंगे ऐसे। और देखिए, उल्टे तरफ इसको हम पक्का कर देंगे। इस तरीके से, और देखिए इसको ऐसे, यहां से आप ऐसे इसको लगा के और यूज कर सकते। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रही हूँ हेडबैंड, जिसे बनाने के लिए देखिए मैंने पिंक कलर की बूल ली हुई है और 10 नंबर सलाई ली हुई है। तो देखिए, इसको अगर आप चौड़ा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे फंदे आप साइड से ज़्यादा रख लीजिए, तो ये और चौड़ा बन के कम्प्लीट हो जाएगा। मैंने 6-6 फंदे रखे हैं, आप यहाँ पे 10-10 भी रख सकते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं।